पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 90 दिन भी जारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों के डेलीगेशन की कल हुई बैठक भी बेनतीजा रही और लगभग 8 घंटे चली इस बैठक में किसान नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। सरकार की ओर से कहा गया कि बैठक सकारात्मक रही है और एक बार फिर ज्यादा स्पष्टता के लिए बैठेंगे। अब किसान और सरकार के बीच 5 दिसंबर को फिर 5वें दौर की बातचीत होगी। कृषि कानूनों को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 9 दिनों से हलचल जारी है। गुरुवार को एक बार फिर से किसान नेताओं और सरकार के बीच में लंबी बातचीत हुई। किसानों के 40 प्रतिनिधियों की सरकार के साथ 7.5 घंटे की मैराथन बैठक चली, लेकिन इस बातचीत में किसी भी विवादित सवाल पर बात नहीं बन पाई। आखिर में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वो फिर से बात करेंगे और ये मुलाकात 5 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगी। गुरुवार की बातचीत में सरकार की तरफ से मंत्रियों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश थे, तो किसानों की तरफ से 40 नुमाइंदे इसमें शामिल हुए। इन 40 किसान नेताओं को सरकार समझाती रही, लेकिन वो अपनी मांग पर अड़े रहे। किसानों ने सरकार के सामने 10 पन्नों का एक मसौदा रखा। इसमें सरकारी मंडियों यानी कि APMC कानून के 17 बिंदुओं पर उनकी असहमति दर्ज की। वहीं जरूरी चीजों यानी कि एसेंशियल कॉमोडिटी कानून के 8 बिंदुओं पर असहमति थी, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के 12 पॉइंट पर किसानों की रजामंदी नहीं है। सरकार किसानों को बार बार समझा रही है कि कृषि कानून में उनकी खुशियों की चाबी है, पर किसान कह रहे हैं कि नहीं, ये पिटारा खुला तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। किसानों ने जो मसौदा रखा है उनमें मूल रूप से 7 बड़ी मांग रखी गई है। वो क्या है आपको बताते हैं। नए कृषि कानून पर आर पार, 7 मांगों पर अटकी बात, तीनों कृषि कानूनों को सरकार तुरंत रद्द करे। न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाए और खेती के लिए इस्तेमाल में आने वाला डीजल 50% सस्ता किया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए। खुदकुशी करने वाले किसानों को सरकार से आर्थिक मदद मिले। किसानों पर लगाए गए सभी मुकदमे वापस हों। देश भर में जिन किसान नेताओं को गिरफ्तार किया है उनकी रिहाई की जाए। ये 7 मांगे हैं जिस पर किसान दिल्ली में कई दिनों से जमे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किसानों को किस बात का डर है। नए कानून से किसानों को डर। किसानों को लगता है कि धीरे धीरे वो अपनी खेती से बेदखल हो जाएंगे। किसानों को लगता है कि कॉरपोरेट उनकी खेती पर कब्जा कर लेंगे। किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को चिंता है कि नया कानून APMC को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार APMC को सशक्त बनाने के लिए विचार करेगी। कृषि मंत्री ने MSP को लेकर भी किसानों को भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि MSP में कोई बदलाव नहीं होगा, ये जारी है और आगे भी जारी रहेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि सरकार छोटे किसानों को जमीन के डर को दूर करने के लिए तैयार है। बिल में कानूनी संरक्षण पहले से है और उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद को हल करने के लिए नए बिल में SDM कोर्ट का प्रावधान है, लेकिन किसान इन मामलों को जिला अदालत में ले जाने के लिए कह रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर विचार करने के लिए भी तैयार है। सरकार बिजली संशोधन बिल और पराली जलाने को लेकर कानून पर भी किसानों से चर्चा करने में सहमत है। किसान संगठनों की शुक्रवार सुबह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। किसानों के किसी भी सवाल पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, सुझाव के लिए तैयार है, विमर्श के लिए तैयार है। और मोदी जी के नेतृत्व में किसानी का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने और कृषि का क्षेत्र आने वाले कल में देश के GDP में अधिक योगदान कर सके, किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके,
यह मोदी जी का सपना है और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने एमएसपी पर संकेत दिए हैं। ऐसा लगता है कि एमएसपी को लेकर उनका रुख ठीक रहेगा। वार्ता ने थोड़ी प्रगति की है। राकेश टिकैत ने कहा कि मुद्दा कानून को वापस लेने का है। मुद्दा केवल एक ही नहीं है बल्कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी। किसान चाहते हैं कि कानून को वापस लिया जाए। सरकार एमएसपी और अधिनियमों में संशोधन के बारे में बात करना चाहती है। मुझसे ये है कि ये वापसी हो, इसमें संशोधन हो, तो एक बातचीत का दौर शुरू हुआ है। पंजाब के किसानों से भी मीटिंग हुई है और जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे दिल्ली के किसान यहाँ पे है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, तो सब लोग यहाँ पे आए और दो दिन बाद में फिर बातचीत होगी। एक दौर चलेगा, कल सरकार भी अपना पूरा मंथन कर लेगी कि उनको क्या करना है और किसान भी अपनी पूरी तैयारी बातचीत की भी कर रहा है और आंदोलन की भी कर रहा है। दोनों चीजों पे एक ठीक सकारात्मक एक बातचीत हुई है और शुरुआत हुई है। फिलहाल किसानों का प्रदर्शन आज 90 दिन भी जारी है और उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी सभी मांगे नहीं मान लेती है वो दिल्ली में डटे रहेंगे और यही वजह है कि चार दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका है। और 5 दिसंबर को एक बार फिर से किसान संगठन के नेता और सरकार के बीच में बातचीत होगी, जिसमें आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकल सकता है और सरकार ने भी किसानों की मांगे मानने के संकेत दिए हैं, लेकिन इस पर फैसला होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।